वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों आज हम लोग साइंस की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में, विज्ञान के पाठ्यक्रम के बारे में पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। ये बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको कोई इसके लिए बुक लेनी है तो आप पीसीएस की घटना चक्र की जो बुक आती है वो आप ले सकते हैं। साथियों अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नोट्स बनाइए। यदि आपको लगता है कि मेरा समय ज्यादा जा रहा है और मैं पीडीएफ लेकर पढ़ सकता हूं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज हम लोग ये साइंस के सिलेबस को पूरा का पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट अगर करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं जीव विज्ञान, पहले हम लोग एक पहले आप मोटा मोटा आइडिया समझ लीजिए। कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, समझ रहे हैं, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम हो और चाहे आईएएस का एग्जाम हो, ठीक है, ये सभी एग्जाम, चाहे यूपीएससी हम सीधे लिख दें यहां तो ज्यादा बेटर रहेगा, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, उसमें जो साइंस का सेगमेंट आता है साथियों, उसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री ये आती है, जिसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, बायो का जो पोर्शन है 60% है और फिजिक्स का जो पोर्शन है ये 30% है और साथियों केमिस्ट्री का 10% पोर्शन रहता है। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का अगर हम पूरा का पूरा चाहे डिफेंस में मिला ले, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम ले लिया जाए, अगर उसमें जनरल साइंस आ रही है, 13 क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 13 को 100% मान के उसमें 60% क्वेश्चन बायो के होंगे, फिजिक्स के 30%, केमिस्ट्री के 10%। जिस समय वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है यानी कि 2023 अगस्त मंथ में, तो अभी का जो पैटर्न रहा है वो मैं बता रहा हूं। कल को हो सकता है फिजिक्स का सेगमेंट बढ़ा दे, केमिस्ट्री का सेगमेंट बढ़ा दे, तो उसकी बात हम नहीं कहते। आज के समय की अगर हम बात करें तो बायो का सेगमेंट 60% है, फिजिक्स का सेगमेंट 30% है और केमिस्ट्री का 10% है। तो सबसे पहले हम लोग बायो कंप्लीट करेंगे साथियों, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही? तो जीव विज्ञान में हम लोग कैसे चलेंगे, सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले साथियों हम लोग मानव शरीर विज्ञान को पढ़ेंगे, जिसमें यहां पर दिख रहा है पाचन तंत्र एवं पोषण, यानी कि साथियों डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा चलेगा वो न्यूट्रिशन पर चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करेंगे, समझ रहे हैं। पोषण का सबसे पहले चैप्टर चलेगा, उसके बाद हम लोग पाचन तंत्र पर साथियों बात करेंगे, ठीक है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट, उसके बाद ये हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इसके बाद हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में समझेंगे, ब्लड के बारे में, ट्रांसफ्यूजन वगैरह के बारे में, कैसे रक्त का आदान करते हैं, कौन सर्वदाता है, कौन सर्वग्राही है, आरएच फैक्टर क्या होता है, ब्लड किसको कैसे दिया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं पिता का ब्लड ग्रुप ये है, माता का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें देखेंगे। उसके बाद साथियों तंत्रिका तंत्र पर बात करेंगे, नर्वस सिस्टम पर बात करेंगे। नर्वस सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताइए फ्रंटल ब्रेन का पार्ट कौन सा है, या पेराइटल बोल रहे फ्रंटल ऑक्सीपिटल लूप के बारे में बताइए, ये बहुत सारे क्वेश्चन। उसके बाद साथियों अंतःश्रावी तंत्र पर हम लोग बात करेंगे। अब यहां पर अंतःश्रावी तंत्र को इंग्लिश में यहां एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, समझ रहे हैं। उसके बाद साथियों उत्सर्जन तंत्र पर बात करेंगे, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम पर साथियों बात करेंगे, समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग श्वसन तंत्र पर बात करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बात करेंगे, ठीक है ना, इसमें फेफड़े वगैरह का वर्क वगैरह हम लोग को देखना होता है। उत्सर्जन तंत्र में मेनली किडनी के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, समझ रहे हैं कि नहीं, किडनी। अच्छा मैं अभी से बता दे रहा हूं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए, इसमें अधिकांश वर्ड इंग्लिश में ही होते हैं। जैसे किडनी, खूब नाम सुने होंगे, कभी नाम सुने हो क्या वृक्क, कभी नाम सुने हो क्या वृक्क, तो इसमें परेशान नहीं होना है कि ये वर्ड आ रहे हैं। असल में बात ये है अधिकांश चीजें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जरा इंग्लिश बताइए, वो हिंदी बताइए, आप बहुत खोजेंगे मिलेगा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। सेल्यूलोज है, अब इसकी हिंदी बताइए, सेल्यूलोज ही कहते हैं इसको, समझ रहे हैं। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है,
तो अब ये परिवर्तित नहीं हो सकता कि इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और। किडनी तो श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, मानव रोग ह्यूमन डिजीज को साथियों पढ़ेंगे इसमें, हम लोग ह्यूमन डिजीज को पढ़ने वाले हैं इसमें, मानव के जो बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, इवन जो हेरिडिटिकल डिजीज है, चाहे क्रोमोसोमल एब्रेशन हो यानी कि क्रोमोसोमल डिजीज हो यानी कि गुणसूत्रीय विकार हो, या जीन डिसऑर्डर हो या जीन विकार हो, इन सब पर बात करेंगे। काल तंत्र की बात करें साथियों, स्केलेटन सिस्टम पर अगर बात करें तो स्केलेटन सिस्टम में हम देखेंगे सबसे ज्यादा पूछा जाता है हड्डियों की संख्या, और दूसरा ज्वाइंट से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, दूसरा स्केलेटन, तीसरा स्केलेटन डिजीज से क्वेश्चन बनते हैं, कंकाल से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग जैसे गाउट्स, गठिया वगैरह हुआ, बात समझ रहे हैं कि नहीं, अर्थराइटिस हुआ, रूमेटिड अर्थराइटिस हुआ, समझ रहे, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ, ये सब। उसके बाद साथियों मानव शरीर के प्रमुख संवेदी अंग आंख, कान, त्वचा, जीवा के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मेनली आपसे पूछा गया है क्वेश्चन आंख से और कान से, समझ रहे हैं कि नहीं। मेजर सेंसरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडीज आई, ईयर, स्किन, टंग पर बात करेंगे। हालांकि टंग की चीजें जब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे साथियों, तो उसी में पैपिली वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट बड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वाद कलिकाओं वगैरह के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़े तो जंतु जगत यानी कि यहां पर अगर देखेंगे एनिमल किंगडम पर बात करेंगे कि टोटल 9 फाइलम है, तो 9 फाइलम में कौन इंपॉर्टेंट 9 फाइलम जो है, सीलेंट्रेटा के क्या कैरेक्टर हैं, पॉरीफेरा के क्या कैरेक्टर हैं, समझ रहे हैं क्या उसके गुण हैं। ऐसे हम लोग जैसे कि कॉर्डेटा में आते हैं तो उसमें वर्टिब्रेट्स कैसे अलग हो जाते हैं, कॉर्डेट्स कैसे अलग हो जाते हैं, जैसे अभी बहुत सारी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा गया है RO AR O के एग्जाम में, PCS के एग्जाम में, बताइए इसमें ट्रू फिश कौन सी है, समझ रहे हैं, तो पता चला कि उसमें दिया है स्कॉलियोडॉन, आप उसको ट्रू फिश मान ही नहीं रहे हो, बात समझ में आ रहा है, और उसमें डेविल फिश दिया है आप उसको फिश मान रहे हो, स्टार फिश को फिश मान ले रहे हो, तो ये बहुत सारी इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारा क्वेश्चंस यहां से आता है। अनुवांशिकी पर बात करेंगे, हेरिडिटी पर बात करेंगे, क्रोमोसोम वगैरह के बारे में बात करेंगे, जीन वगैरह के बात करेंगे, DNA के बारे में बात करेंगे, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद साथियों पादप शरीर विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप श्वसन, पादप उत्सर्जन, पादप यानी कि पादप शरीर विज्ञान के बारे में बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे साथियों, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्लांट हार्मोन हुआ, प्लांट रिस्पिरेशन हुआ, प्लांट एक्सक्रीशन हुआ, प्लांट वेस्कुलम, जाइलम, फ्लोएम वगैरह में, स्टोमेटा वगैरह के बारे में बात करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। फोटोसिंथेसिस, अभी आपसे पूछ लिया जाए फोटोसिंथेसिस होता है तो आप खट से बता दोगे दिन में, जबकि ये प्रोसेस दिन व रात दोनों में होती है, समझ रहे हैं कि नहीं। ब्लैक रिएक्शन क्या है, लाइट रिएक्शन क्या है, यहां से क्रेब्स चक्र क्या होता है, क्रेब्स जब श्वसन आप पढ़ते हैं तो उसमें क्रेब्स साइकिल पढ़ते हो, ये कहां पर होता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस क्या है, ये बहुत सारे यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हैं। विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन वगैरह क्या होता है, इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां बनते हैं। दूसरा साथियों पादप और जंतु कोशिका के बारे में बात करनी है, प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्या इसकी खासियत है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, इसके बारे में साथियों। उसके बाद पादप जगत के बारे में बात करेंगे, प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का मतलब समझते हो, जैसे इसमें फेनोरोगेमस प्लांट्स होते हैं, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स होते हैं, अपुष्पोद्भिद पौधे होते हैं, पुष्पोद्भिद पौधे होते हैं, थैलोफाइटा क्या है, एल्गी को क्या किसमें रखा जाता है, फंगस को किसमें रखा जाता है, ठीक है ना। अभी पूछा जाए कि मोनेरा किसके अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा किसके अंतर्गत आता है, प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, जीव विज्ञान से संबंधित जो अदर फैक्ट्स होंगे उसको अदर हम लोग ले लेंगे अलग क्लास में, मतलब इनसे जो कुछ बचता है फिर इन पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। यहां पर हो गया। अब उसके बाद साथियों भौतिक विज्ञान पर हम लोग बात करेंगे, फिजिक्स पर, जिसमें भौतिक राशियों के मापन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, मीजरमेंट्स एंड फिजिकल क्वांटिटीज, समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ भौतिक राशियों का मापन ये। उसके बाद साथियों हम लोग तरंग पर बात करेंगे, वेव्स के बारे में बात करेंगे, प्रकाश लाइट के बारे में साथियों बात करेंगे, मिरर वगैरह से कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, दर्पण लेंस वगैरह पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, मिरर्स वालेंस वगैरह पर बात करेंगे साथियों। यांत्रिकी जिसमें न्यूटन के गति के नियम आते हैं, लिफ्ट में आप बैठते हैं तो वेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, इसके बारे में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, द्रव यांत्रिकी पढ़ेंगे साथियों यानी कि फ्लूड मैकेनिज्म
यानी कि ससंजक बल, आसंजक बल क्या होता है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, इन सब के बारे में। उसके बाद हीट पर बात करेंगे साथियों, इसमें हम लोग पढ़ते हैं आइसोथर्मल रिएक्शन, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, वो जो वाटर की डेंसिटी कब ज्यादा हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तथा उष्मा मापने के यंत्र कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद विद्युत चुंबकत्व पर बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बात करेंगे। उसके बाद साथियों केमिस्ट्री पर अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम द्रव्य, उनके गुण, सब्सटेंस एंड दियर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, कोवेलेंट बॉन्ड समझ रहे, इनसे वंडरवॉल फोर्सेस वगैरह पर बात करेंगे, तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, अम्ल, क्षार, लवण साथियों, एसिड, बेस। हम जैसे जैसे यहाँ ऐसे नहीं बताने आ गए हैं कि मतलब ये सिलेबस है, हम ऐसे ही सिलेबस में अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसा जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। एसिड बेस सॉल्ट्स पर बात करेंगे, धातु निष्कर्षण में से धातु, मेटल एक्सट्रैक्शन पर बात करेंगे, एलॉय और कुछ महत्वपूर्ण तत्व, यौगिक वगैरह के बारे में साथियों बात करेंगे, इंपॉर्टेंट्स, इंग्रेडिएंट्स और कार्बन व उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर साथियों बात करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हम कैसे कैसे लेकर आपको ये पूरा का पूरा साइंस पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हम बायो का सेगमेंट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिजिक्स साथियों, उसके बाद केमिस्ट्री। बात समझ में आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम न्यूट्रिशन चैप्टर से एक एक करके हम पहले बायो की क्लास को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है मैं मानता हूं, लेकिन ये है कि मेरे पास जब समय होगा तभी मैं कर पाऊंगा, ठीक है क्लास। तो आज के लिए टाइम, जय हिंद। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए।